नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं प्राइम डिबेट। उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनावों की तैयारियां राजनीतिक दलों में तेज हो गई है। बड़े बड़े राजनीतिक दिग्गज अपना अपना गणित बिठाने में जुड़ गए हैं। बड़ी बात यह है कि 2007 से 2017 तक बसपा, सपा और बीजेपी को स्पष्ट बहुमत मिलता रहा, लेकिन कांग्रेस लंबे समय से खाली हाथ ही नजर आ रही है। वहीं अब जमीन पर छोटे दल भी अपना वर्चस्व बनाने में जुट गए हैं। तो लगातार जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसमें बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं। अभी 3 दिन की मंथन बीजेपी के बीच चली, जिसको लेकर भी कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बीजेपी संगठन महासचिव वीएल संतोष को दिल्ली से पहुंचे थे, पार्टी के तमाम आलाकमान अफसरों से उन्होंने मुलाकात की। उसके बाद जो कांग्रेस का जो यूपी के पंचायत अगर चुनाव को लेकर कांग्रेस के को देखा जाए तो लगातार विपक्ष जो है वो लामबंद दिखाई दे रहा है। प्रियंका गांधी लगातार योगी सरकार पर निशाना साध रही हैं और कोरोना काल में जिस तरह से कहीं ना कहीं जो अव्यवस्थाएं रही उसको लेकर उनके ऊपर बरसती नजर आई। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो उसमें भी कई तरह से जोरों शोरों से 2022 के चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू करती है। वहीं सबसे अनोखी बात इस समय ये नजर आके आ रही है कि बीएसपी की अगर बात करें तो कई छोटे दलों का जो है वहां पर फेरबदल नजर आ रहा है। उसी के साथ ही कई वरिष्ठ अफसर, उनके जो नेता थे उनको निष्कासित किया गया है पार्टी से। तो 2022 चुनाव नजदीक है, उससे पहले बीएसपी में काफी कुछ फेरबदल नजर आ रहा है। वहीं देखना अहम होगा कि कौन सी पार्टी किस बढ़त के साथ आगे बढ़ती है और 2022 के चुनाव के लिए किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं। वहीं अगर आप बीजेपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी में 3 दिनों तक जमे बीजेपी के संगठन महासचिव वीएल संतोष ने पार्टी और सरकार की तमाम कुंडली खंगाली। उसके बाद यूपी बीजेपी में भूचाल सा आ गया, तमाम कयास लगने लग गए कि किस के नेतृत्व में 2022 का चुनाव लड़ा जाएगा। वहीं इन सब के बीच मंथन का दौर लगातार जारी था, तो इसको लेकर राजनीतिक हलचल काफी ज्यादा तेज हो गई है कि अब 2022 के चुनाव में कौन सी पार्टी किस दमखम के साथ आगे बढ़ेगी। वहीं अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो वो भी उत्तर प्रदेश में सक्रिय हो गई है। उसमें भी कई अपने संगठन में कई लोगों को जोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। आम आदमी पार्टी का भी लगातार एक के बाद एक जो छोटे दल हैं वो भी काफी ज्यादा सक्रिय हो रहे हैं। चाहे प्रसपा की बात कर ले तो प्रसपा भी कहीं ना कहीं अपनी पैठ जमाती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखना अहम होगा कि इस बार एकला चलने का प्लान है तमाम विपक्षी पार्टियों का, या बीजेपी को तोड़ने के लिए और सत्ता से हटाने के लिए वो किसी का सहयोग लेते हैं। तो सहयोग कौन से प्रयोग में रहेंगे, इन तमाम बातों को लेकर ही आज प्राइम डिबेट होगी, जिस पर हम बात करेंगे कि इस बार कौन सी विपक्षी पार्टियां किसका सहयोग लेती हैं और किस तरह से बीजेपी को सत्ता से हटाने के लिए कौन से नए प्रयास, कौन से हथकंडे अपनाए जाते हैं, किस तरह से समाजवादी पार्टी उभर कर सामने आती है, बीएसपी अपनी कहां छवि बनाएगी, किस जगह स्टैंड करती नजर आएगी, इस पर भी चर्चा करेंगे। तो लगातार वीएल संतोष ने भी लगातार बैक टू बैक 3 ट्वीट करे, जिसको लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ करी है। कोरोना काल में जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने काम किया उसको लेकर उन्होंने तारीफ करी कि बड़ी चुनौतियां थी, आबादी बड़ी थी, उसको लेकर भी जो लगातार केसेस में कमी आ रही है और लगातार जिस तरह से सीएम योगी जो है वो जमीनी स्तर पर उतर कर दौरा कर रहे हैं उसको लेकर भी उन्होंने सुनिश्चित किया। वहीं काफी समय से ये बातें उठ रही थी कि जो योगी सरकार के अधिकारी हैं वो उनकी बातों को नहीं सुनते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं, तो उसको लेकर भी लगातार अब जो यूपी में है वो निष्कासित निलंबित करने का और फेरबदल करने का जो ये खेल है वो भी शुरू हो गया। तो अधिकारियों के तबादले भी किए जा रहे हैं बड़े स्तर पर। तो एक्शन मोड में चुनावों को लेकर बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ने वाली है, जिसको लेकर एक्शन प्लान योगी सरकार का पूरी तरह से सामने खुलकर नजर आने लग गया है अब। वहीं समाजवादी पार्टी की बात करें तो वो भी पूरी तरह से सक्रिय है चुनाव में। हालांकि बीएसपी अभी फिलहाल सिर्फ लोगों को निष्कासित या हटाने की तरफ ही राजनीति करी, क्योंकि सक्रिय चेहरा मायावती का जो है वो अभी तक जमीनी स्तर पर किसी मुद्दों को लेकर नहीं उतरा है। वहीं अगर हम बात करें कांग्रेस की तो कांग्रेस भी लगातार जिस
से लगातार ये दावे करती आई कि हम पैठ बनाएंगे उत्तर प्रदेश में, हम कई मुद्दों को लेकर के बीच में हमने ये भी देखा कि किस तरह से प्रियंका गांधी सक्रिय थी उत्तर प्रदेश में और तमाम जगह जगह पर जाकर वो चाहे वो गंगा स्नान हो या फिर लोगों से मिलना हो या उत्तर प्रदेश के मुद्दों पर बात करनी हो, तमाम चीजों को लेकर वो बातें उठाती रही हैं, ट्वीट करती रही हैं। और अभी हाल फिलहाल में भी उन्होंने ट्वीट किया और योगी सरकार पर निशाना साधा कि दवाइयों की कमी को लेकर उन्होंने सवाल उठाए, वैक्सीन की कमी को लेकर सवाल उठाए। तो ये तमाम जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश में काफी दिलचस्प देखी जा रही, जिस तरह से लगातार जो उठा पटक जो है वो उसको लेकर चर्चाएं गरम है कि इस मंथन से बीजेपी के लिए क्या निकलकर सामने आता है। वहीं हमने ये भी देखा कि जिस तरह से कोरोना काल में सीएम योगी के विधायक ही कुछ नाराज नजर आए, चाहे वो कौशल किशोरी क्यों ना हो, वो भी व्यवस्थाओं पर नाराजगी दिखाते नजर आए। तो ये इन चीजों से ये साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार में कुछ मनभेद चल रहे हैं विधायकों के बीच, क्योंकि जिस तरह की व्यवस्था थी। तो अब प्लान डैमेज कंट्रोल का है, उसको किस तरह से करती है, आगे कौन से मुद्दे उठाए जाते हैं, किसको लेकर कौन से मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती है, इन तमाम चीजों पर आज चर्चा होगी। और प्राइम डिबेट में हम इन्हीं चीजों पर बात करेंगे कि 2022 के चुनाव में किस तरह से जीत का दावा कौन सी पार्टी कर रही है और क्या मुद्दे उठाने वाली है, क्या किसी का सहयोग लेकर आगे बढ़ने को अग्रसर है या फिर एकला ही चलने का प्लान तमाम पार्टियों ने बनाया हुआ है। तो आज का बड़ा मंथन इसी पर होगा प्राइम डिबेट में कि आगे 2022 के चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं, 6 से 7 महीनों का सफर तय करना है। इस सफर को किस तरह से ये तमाम पार्टियां तय करती हैं ये देखना अहम होगा और क्या किसी के सहयोग से प्रयोग में आएगा कोई चुनाव का नया मंथन, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारे साथ आज वरिष्ठ पत्रकार पंकज रस्तोगी जी मौजूद है और साथ ही साथ सपा से विवेक पांडे फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके बाद बीजेपी के और कांग्रेस के भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आना चाहूंगी पंकज जी आप पर, आपको क्या लगता है 2022 के जो राजनीतिक समीकरण है वो किस तरह से आप देख रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में बीएल संतोष का आना, 3 दिन का उनका दौरा, जिस तरह से उन्होंने लगातार पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के साथ विधायकों के साथ मंथन किया और डैमेज कंट्रोल की बात और साथ ही साथ रिपोर्ट कार्ड जो लेने आए थे वो, कि जिस तरह से इन 4 सालों में क्या कुछ किया है योगी सरकार ने और किस तरह से इसे ठीक कर सकते, क्योंकि नाराजगी भी बहुत थी। देखिए कीर्ति जी, एक बात समझ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है, तो उसका एक अपना कैडर है और पूरे देश के हर राज्यों में जहां वो है या जहां नहीं भी है वहां उसका एक अपना कैडर है। और उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है, 24 करोड़ आबादी वाला राज्य है, तो और उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव आसन्न हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश की भूमिका इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में 15 साल बाद बीजेपी की वापसी हुई और 15 साल वापसी के पश्चात बीजेपी ने 300 के ऊपर का आंकड़ा प्राप्त किया, 403 सदस्यीय सदन में विधानसभा के 300 के ऊपर उसने आंकड़ा प्राप्त किया। और दूसरी बात यह है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव पूरे भारत में ड्यू हुए, 2019 में लोकसभा के चुनाव हुए जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में अपने दम पे 300 के ऊपर सरकार बनाई और आज 300 के ऊपर सांसदों के साथ उसने सरकार बनाई। और दूसरी चीज़ ये है कि 2024 में जो चुनाव होंगे, उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है और यहाँ से 80 लोकसभा की सीटें आती हैं। पंकज जी, लेकिन आपको कुछ अटका नहीं कि जिस तरह से बीएल संतोष का दौरा जो दिल्ली से आने का था वो सिर्फ रिपोर्ट कार्ड लेने तो नहीं आए होंगे? देखिए ये तो ऐसी बात है और ये कोई दौरा एक नहीं बना होगा, इसको लेकर काफी समय से मंथन चल रहा होगा। देखिए एक चीज समझ लीजिए, जब ज्यादा संख्या में विधायक हों और सब चीजें हों, वैसे भी क्या नाम है, हर पार्टी में हर दल में सबकी महत्वाकांक्षाएं बहुत होती हैं, हर लोगों की महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर विधायक मंत्री बनना चाहता है जो सबको नहीं बनाया जा सकता, हर विधायक क्या नाम है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनना चाहता है, हर लोग संगठन को छोड़ के बहुत से लोग कुछ लोग संगठन में रुचि रखते हैं, तो इसलिए उन सब चीज़ों की समीक्षात्मक भी जरूरी है। और जिस तरह से कोरोना काल आया, 1.5 साल से कोरोना चल रहा है, तमाम चीज़ों की परेशानी हुई, लेकिन जिस तरह से प्रबंधन उत्तर प्रदेश सरकार ने किया, हाहाकार की स्थिति थी, मौतों का आंकड़ा बहुत बढ़ा, लोगों ने काफ़ी काल कलवित हुए, हमारे पत्रकार बंधु कितने काल कलवित हुए, कितने डॉक्टर्स मरे,
तो इन सब चीज़ों से 1.5 साल से तो समझिए बहुत बुरी स्थिति उत्तर प्रदेश की रही, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कंट्रोल करने का काम किया और इस पर पूर्णतया कंट्रोल किया, इसको नकारा नहीं जा सकता है। जिस तरह के संसाधन, स्वास्थ्य के संसाधन पूरे देश में थे और आज हैं, उसको देखते हुए सरकार ने तुरंत लगाम कसने की कोशिश की। हर जगह, चाहे वो ऑक्सीजन के प्लांट की बात हो, चाहे अस्पतालों में बेड बढ़ाने की बात हो, सब तरह के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए, इसको नकारा नहीं जा सकता है। नहीं, अब सवाल ये है कि नाराजगी भी तो है लोगों के अंदर। देखिए, नाराजगी व्यवस्थाएं तो थी ना, देखिए इसको तो दरकिनार नहीं कर सकते। भाई सीधी सी बात एक समझ लीजिए कीर्ति जी, जहाँ 50 बेड अस्पतालों में है और वो एकदम से 1000 पेशेंट पहुंच जाए तो वो स्थिति तो बेकाबू होना ही है, उसको नकारा नहीं जा सकता। वो नकारा नहीं जा सकता, उसको कोई सोच भी नहीं सकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपदा थी और इस आपदा से हमारा देश उभर रहा है और हम लोग विजय प्राप्त करेंगे, ये निश्चित है। सारे राज्यों में देखिए ग्राफ घट रहा है और उत्तर प्रदेश में भी देखिए काफ़ी जिलों में ग्राफ घट गया है, इसीलिए 600 से नीचे जहां भी एक्टिव केस हैं वहां पे लॉकडाउन खोल दिया गया है और जहां 600 के ऊपर है वहां लॉकडाउन नहीं खोला गया। जिस तरह से फेरबदल नजर आ रहे हैं, अधिकारियों के भी तबादले अब किए जा रहे हैं लगातार, ये वो तो कहा जा रहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं सरकार की, इसको लेकर अब जो है वो तबादले किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियां शुरू हो गई। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपका कहना सही है, चुनावी तैयारियां शुरू हो गई है और 2022 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में 7-8 महीने बचे हुए हैं, उस परिप्रेक्ष्य में अधिकारियों का तबादला उसी कड़ी का एक हिस्सा है। उसी कड़ी में देखिए अभी आजकल ताबड़तोड़ तबादले किए जा रहे हैं, अभी रात में तबादले किए गए, कई जगह के जिलाधिकारी बदले गए, कई जगह के जिलाधिकारी बदले गए, कई जगह के सीएमओज बदल दिए गए जिलों में, तो इस तरह की चीजें तमाम हो गई, कई जगह के कप्तान बदले जा चुके हैं। तो ये मान के चलिए कि ये एक प्रक्रिया है और चुनाव के पहले हर सरकार जो है, जो भी सरकार सत्ता में रहती है वो फेरबदल करती है। और दूसरी चीज ये है कि बीएल संतोष जी का आना, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो यहाँ खंगालने आए थे कि क्या असंतोष विधायकों में, क्या असंतोष मंत्रियों में है, उसमें उनको मिली जुली प्रतिक्रिया मिली। जो उनको मिली जुली प्रतिक्रिया का मतलब ये है, कुछ लोगों ने उसको सराहा, कुछ लोगों ने नहीं सराहा। तो हर लोगों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, बहुत से लोग संगठन में जाना चाहते हैं और बहुत से लोग सत्ता में चाहते हैं कि हमको पद नहीं मिला, हम मंत्री नहीं बन पाए। तो इन सब चीज़ों का उन्होंने एक आकलन किया और वो उस आकलन को ले जाके उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा को बताया। और जैसा कि बताया जा रहा है कि इसी महीने से भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और माननीय गृह मंत्री अमित शाह दोनों लोग उत्तर प्रदेश का पुरजोर तरीके से दौरा करेंगे और जनमानस के साथ साथ तमाम कार्यकर्ताओं से और सबसे मिलेंगे और 2022 के चुनाव की तैयारी करेंगे। बिल्कुल, चुनावी तैयारियां तो शुरू हो गई है, ये इसको नकारा नहीं जा सकता है। सपा से हमारे साथ विवेक पांडे जी जुड़ चुके हैं। विवेक जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई दलों के साथ आप चल के भी देख लिए और प्रयोग में भी ला के देख लिए हैं, क्या निष्कर्ष निकला है, आपको क्या लगता है अब आपकी पार्टी कहाँ स्टैंड कर रही है 2022 के चुनाव को लेकर, किस तरह की तैयारियां हैं आपकी? कीर्ति जी, बहुत जिम्मेदारी के साथ पहले तो मैं धन्यवाद देता हूँ, मैं अपने पत्रकार महोदय को भी सुन रहा था। आज मेरी मनस्थिति थोड़ी दूसरी है और आज मैं भी बड़ा सहयोग और प्रयोग करके आया हूँ, तो मैं आपका कुछ बातों पे पहले आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। मुझे लगता है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी होकर के उत्तर प्रदेश की राजनीतिक उठापटक को जिस तरीके से देख रहे हैं, ये पूरे प्रदेश को और ज्यादा भ्रमित करने वाला प्रकरण बनता जा रहा है। देखिये, ठीक है, मान लिया कि अगर भाजपा के अंदर कुछ आंदोलनी उठक पटक चल रही है या कोई अनीतियों के कारण, कुरीतियों के कारण अगर उनके संगठन में कोई इस तरह का दौर चल रहा है, तो मुझे लगता है कि ये उनकी पार्टी का आंतरिक नीतिगत विषय है, जिसपे कि मुझे लगता है कि राजनीति हम लोगों को नहीं करनी चाहिए फिलहाल, मतलब मुझे एज ए विपक्ष, मैं अपनी बात करूं अगर, और समाजवादी पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी से अभी तक इसका राजनीतिकरण पूर्ण करने का प्रयास भी नहीं। लेकिन मैं आपका प्रकरण एक तरफ और आकर्षित करना चाहूंगा कीर्ति, जिस तरह से कांग्रेस भाजपा को टारगेट करती है, भाजपा कांग्रेस को, तो मैं आप मुझे ये बताइए, जो उत्तर प्रदेश में चल रहा है यही तो पंजाब में चल रहा है। पिछले 4 दिन से पूरा पंजाब के जिम्मेदार मंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री सब तो दिल्ली बैठे हुए हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में एक समिति तैयार है और 4 दिन से पंजाब से ताल्लुक रखने वाले 100 से अधिक नेताओं से वो राय ले चुके हैं और जिसमें अधिकतर विधायक है। और ये भी सुनने मिल रहा है कि अमरिंदर सिंह शुक्रवार को समिति की बैठक में पहुंच करके अपनी बात रखेंगे और कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी से डिजिटल बैठक भी करेंगे। पूरा कोरोना से जो प्रकरण है प्रेरित, उसको छोड़ करके इस समय उनकी प्राथमिकता 100 से अधिक विधायकों को लेकर के केंद्र में वही घटनाक्रम वहां भी चल रहा है। लेकिन दिक्कत यह है उत्तर प्रदेश की, देखिए आज मैं उत्तर प्रदेश के एक निवासी के तौर पर भी बात करता हूं, उत्तर प्रदेश की छवि को जिस तरीके से बार बार प्रस्तुत किया जाता है,
उत्तर प्रदेश की छवि को बार बार जिस तरीके से राष्ट्रीय पटल के सामने लाया जाता है, मुझे लगता है यह उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के जन प्रतिनिधियों और उत्तर प्रदेश के जन निवासियों के लिए बड़ी ही शर्मनाक और निंदनीय घटना है। थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ इन प्रकरणों को थोड़ा सा हमें और चिंतन करते हुए देखना पड़ेगा। देखिए, अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक बात और कही और ये बाकायदा खबरों पेपर में प्रकाशित है कि पहले लोग स्वास्थ्य चिकित्साओं के लिए दौड़ रहे थे, अब लोग जन्म के प्रमाण पत्रों के लिए दौड़ रहे हैं। तो व्यवस्थाओं में कमी है, मैं मानता हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थी, बिल्कुल लेकिन कमी है विवेक जी, लेकिन आप एक चीज जरूर कहूंगा, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक घटना चक्रों को इस तरह से प्रस्तुत ना किया जाए कि उत्तर प्रदेश में ही हाहाकार मचाए। नहीं, उत्तर प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ बिल्कुल ये बात नहीं हो रही, लेकिन विवेक जी जो तमाम बातें सामने खुलकर निकल कर आ रही हैं, जिस तरह से देखा है, तो 2022 के चुनाव पर हम आज चर्चा कर रहे हैं, तो 2022 के चुनाव को लेकर आप कहां स्टैंड कर रहे हैं उस पर बताइए ना कि आप किस तरह से आगे आगामी चुनाव को लेकर जो 6-7 महीने ही बचे हैं। किसी में बड़ी जिम्मेदारी से हमेशा कहता हूं, मैं हमेशा प्रदेश के विकास की बात करता हूं, रोजगार की बात करता हूं। मैं पिछले एक हफ्ते से लगातार जो मेरी मुहिम चल रही है वो केवल और केवल उत्तर प्रदेश की लंबित भर्तियों को लेकर के चल रही है। बेरोजगारों से मैं संवाद कर रहा हूं, जिन बच्चों की भर्ती होनी चाहिए, जिनके एग्जाम क्लियर है, नियुक्ति पत्र नहीं मिले हैं, उनसे मैं बराबर संपर्क में हूं और उन बच्चों की बराबर मैं काउंसलिंग भी कर रहा हूं। आप कहेंगे जिम्मेदारी से हर भर्ती के 4 बच्चों के नंबर आपको दे दूंगा, आप लाइव डिबेट में उनसे बात कर लीजिए। लेकिन बहुत जरूरी है इस समय उत्तर प्रदेश का युवा, क्योंकि देखिए युवा बड़ा अवसादग्रस्त है इस समय उत्तर प्रदेश का, युवा का मस्तिष्क बड़ा कोमल होता है। सरकार के सामने इलेक्शन की चुनौती है, युवाओं को भी ये पता है कि 6 महीने के बाद आचार संहिता लग जाएगी और वो सब अपने भविष्य को लेकर के अंधकार में रास्ते पे चल पड़े हैं। युवाओं के साथ आप आगे बढ़ेंगे? युवा हमेशा, युवा समाजवादी का हमेशा एक दूसरा पटल रहा है। हमने तो हमेशा छात्र संघ से लेकर के सड़क तक युवाओं की आवाज को बुलंद किया, ये हमारा इतिहास रहा है। विचार है या फिर किसी का इस बार भी सहयोग में प्रयोग लाएंगे? मैंने सहयोग और प्रयोग की बात आपने पूछी, बहुत अच्छी बात की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि समाजवादी विचारधारा के अनुसार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने जिम्मेदारी से छोटे दलों को अपने साथ आने का न्योता दिया है। अब वो छोटे दल अगर सामाजिक रूप से अब समाजवादी विचारधारा के साथ उत्तर प्रदेश के विकास की गति में आगे सहयोग करना चाहे तो हम स्वागत करते हैं, हम तो दोनों हाथ खोल के खड़े हैं, रेड कार्पेट बिछा के खड़े हैं, और बताइए। लेकिन ये केवल छोटे दलों के लिए है। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी विवेक जी, आवाज आ रही है। हाँ, मैं कह तो रहा हूँ कि हम तो रेड कार्पेट बिछा के बैठे हैं कि छोटे दल जो भी समाजवादी विचारधारा में समाजवादी पार्टी के साथ उत्तर प्रदेश के विकास और गति के बढ़ाने के लिए सहयोग करने के लिए आना चाहते हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और ये बात हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय पटल से बोल चुके हैं, तो हमें इसमें कोई गुंजाइश नहीं। और बसपा की बात जहां तक आप कर रही थी, मैं आपको बता दूं, बसपा पूरे कोविड काल में या इसके पीछे कहीं पे भी उत्तर प्रदेश में किसी भी सक्रिय भूमिका पे जमीनी स्तर पे नहीं दिखाई दी है। तो मैं आपके मंच से निवेदन करता हूं बसपा में विश्वास करने वालों के साथ भी कि अब कम से कम आने वाले चुनाव में जातिगत तुष्टिकरण के आधार पे आप लोग अपने मतों को व्यर्थ मत करिएगा। इनका एक जनप्रतिनिधि सड़क पे नहीं दिखाई दिया, बल्कि तो अगर ये इस बार साथ लेकर ही प्रयोग में लाने की कोशिश कर रहे थे ना विवेक जी? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ, देखिए राजनीति, आप उनके बोल रहे कि वो सही नहीं है राजनीति। नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने कोविड काल की बात की है। कीर्ति जी, मेरी बातों को फिर से आप चाहें तो चला दीजिए टेलीविजन पे। मैंने क्या कहा, कोविड काल में जिस राजनीतिक दल ने कोई भूमिका का निर्वहन, किसी भूमिका का निर्वहन नहीं किया, तो उसके मतदाताओं से मैं अपील करता हूं कि केवल जातिगत आधार पे अब प्रदेश के विकास को आप लोग अपनी भूमिका को स्पष्ट करिए। विवेक जी, जी आप अपनी भूमिका को स्पष्ट करिए कि आपने कोविड, मेरे पास बहुत सारे, देखिए समाजवादी पार्टी के पास इस प्रदेश के लंबित कार्यों के साथ जो इस सरकार में भी नहीं हुए कई ऐसी परियोजनाएं जो समाजवादी पार्टी ने शुरू की, आज भी अधूरी पड़ी है। इसके साथ जिस तरह से सरकारी संस्थाओं की इन्होंने कमर तोड़ी है, युवाओं के रोजगार को लंबित कर रखा है, लटका रखा है, इस तरह से प्रदेश की विकास और गति को लेकर के उद्योगों को लाना है। अभी हम, मैंने तो कल भी कहा था, राम मंदिर बना रहे हैं तो वहां पे जो इत्र और जो अगरबत्तियां चढ़ेंगी उनकी फैक्ट्रियां भी तो हमें लगवानी है। बहुत सारे ऐसे काम हमारे पास है विकास से जुड़े प्रदेश की, जिसमें की जातिगत आधार कोई मायने नहीं रखता। हम तो विकास कार्यों पे बात करेंगे, विकास पे ही बात कर रहे हैं। वहीं भाजपा से इस वक्त अपना पक्ष रखने के लिए शबनम पांडे जी और कांग्रेस से पक्ष रखेंगे अंशु अवस्थी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। सबसे पहले मैं शबनम जी आप पर आना चाहूंगी और मैं आपसे पूछना चाहूंगी
तीन दिन का लगातार मंथन चला, कई कयास लगाए जा रहे थे, कई तरह से विपक्षी पार्टियां भी इसको लेकर घेर रही थी और लगातार विपक्ष आपको कोरोना की परिस्थितियों को लेकर, जिस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं कोरोना के दौर पर उत्तर प्रदेश ने देखी उसको भी लेकर लगातार प्रियंका गांधी ट्वीट कर रही है, वीडियो शेयर कर रही है और घेरने की कोशिश कर रही है, और सपा से अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट करके भाजपा को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्थाएं दुरुस्त की जाए। मंथन का सबसे पहले तो मैं पूछूंगी, इससे क्या निकल के आया है बीजेपी के लिए? देखिए, सबसे पहली चीज कि अगर संगठन के हमारे महामंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आते हैं उत्तर प्रदेश में, संगठन की बैठक करते हैं, समीक्षा करते हैं, तो निश्चित तौर पे वो संगठन की अच्छाइयां बुराइयां, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए, कैसे कील कांटे ठोक कर उसकी मजबूती को और निखारा जाए, इस पर बात कर रहे थे। और साथ साथ ये जो सदी का सबसे बड़ा पेंडेमिक हुआ, इसमें किस तरीके से व्यवस्था थी, जो संगठन की तरफ से सेवा भाव से जो हेल्प डेस्क बनाया गया था कि सेवा ही संगठन करके हेल्प डेस्क बनाया गया, उस हेल्प डेस्क का काम कैसा चल रहा है, इन सब चीजों की समीक्षा करने बैठे थे। और कहीं ना कहीं सरकार क्या व्यवस्थाएं कर रही हैं, आगे क्या व्यवस्थाएं रहेंगी, इन सब पर भी अपने मंत्रियों से चर्चा उन्होंने किया। ये मुझे लगता है कि जिस तरह की अफवाहें फैल रही थी लगातार तमाम सोर्सेस से, तो ये ऐसा ही लग रहा था कि काजी जी दुबले क्यों हुए शहर के अंदेशा से। तो भाजपा में सब कुछ बहुत मजबूती से चल रहा है, 2022 की तैयारी के साथ साथ कोरोना काल में किस तरीके से लोगों की मदद की जाए, कैसे व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाए, क्योंकि इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जिस तरह की हमारे देश की या प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पहले थी और आज जो व्यवस्थाएं हैं उसमें जमीन आसमान का अंतर है। जहां पे आप देखिए कि इन चार सालों में उत्तर प्रदेश में काफी ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं, लेकिन वहीं अगर आप दिल्ली में देखिए तो दिल्ली में इन छह सात सालों में एक भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगाया। इसी से आप सोचिए दिल्ली राजधानी है। प्रिया संतोष जी का जो ये दौरा था, कहीं ना कहीं विपक्ष पर किस तरह से बढ़त बनाई जाए उसको लेकर भी मंथन जरूर हुआ होगा, और विधायकों की जिस तरह से आपके अंदरूनी विधायकों की आवाज उठती लगातार उठती नजर आ रही थी उसको लेकर भी मंथन किया होगा। देखिए, निश्चित तौर पे क्योंकि अब चुनाव भी निकट है तो इस पर कैसे बढ़त बनाई जाए और कैसे इस बढ़त को जो बढ़त है उसको कैसे बरकरार रखा जाए, उस पर सभी राजनीतिक पार्टी समय समय पे करती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने संगठन की समीक्षा करती है, चाहे वो किसी भी प्रदेश का संगठन हो भारतीय जनता पार्टी का। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है भारतीय जनता पार्टी में, ये कोई एक अलग सी चीज नहीं है। आप लगातार इनके दौरे हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी का दौरा काफी लंबे समय से लंबित था, कोरोना काल होने की वजह से उनका दौरा नहीं हो सका था, लेकिन ये डेट बहुत पहले से फिक्स था। और इस दौरे के दौरान निश्चित तौर पे संगठन के अगर वरिष्ठ नेता आते हैं तो सभी की बातें सुनते हैं, सब तरह की समस्याओं के साथ साथ क्या सफलताएं हैं और जो बढ़त है उस बढ़त को किस तरीके से और भी मजबूत बनाया जाए, इस पर भी निश्चित तौर पे बात हुई है। ठीक है, अंशु अवस्थी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु अवस्थी जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि लगातार तो मंथन का दौर बीजेपी में चालू हो गया है, शुरू हो गया है कि किस तरह से बढ़त बनाई जाए विपक्ष पर, लेकिन आपको क्या लगता है आप क्या कर रहे हैं यूपी में? उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो इसी बात पर आई थी, पिछली सरकार से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान थी भ्रष्टाचार से, अपराध से, और एक विशेष वर्ग के लिए जो लाभ पहुंचाने का काम सरकार कर रही थी, इसी बातों का नारा देकर, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार का नारा देकर बीजेपी सरकार आई थी। इन्होंने उससे ज्यादा अव्यवस्था पैदा कर दी। अब लोग कांग्रेस पार्टी को एक विकल्प के रूप में देख रहे हैं क्योंकि श्रीमती प्रियंका गांधी जी लगातार उत्तर प्रदेश के प्रत्येक मुद्दे पर बात कर रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है, ये दोनों दल ऐसे हैं जो सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति करते हैं। राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है कि वो उत्तर प्रदेश के विकास की बात करें। कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विकास की बात कर रही है, बेरोजगारी बढ़ गई है रोजगार की बात कर रही है, अपराध बढ़ा है, हमने भरोसा दिया है 2022 में हमारी सरकार आएगी हम उत्तर प्रदेश से अपराध को समाप्त करेंगे,
और जो भ्रष्टाचार इस भाजपा सरकार में हो रहा है, अधिकारियों के तबादले तो हो रहे हैं लेकिन जो भ्रष्टाचारी मंत्री सतीश द्विवेदी जैसे भ्रष्टाचारी सत्ता में बैठे हैं, जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, उनका तो प्रमोशन हो रहा है, उन पर कार्रवाई कब होगी? 4.5 साल हो गए उत्तर प्रदेश ने देख लिया, बीजेपी के अहंकारी मुख्यमंत्री की वजह से आज उत्तर प्रदेश संकट में है। यानी अंशु अवस्थी, और पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार का दर्द लोग भूले नहीं है कि आप विकल्प के तौर पर, आपको जनता देख रही है बीजेपी के खिलाफ। 2022 में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई, लेकिन जिस हिसाब से 5 राज्यों के चुनाव हुए, वहाँ की परिस्थितियों को देख कर क्या आपको सही लग रहा है कि आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं यूपी के लिए? हर राज्य का चुनाव अलग होता है, हर राज्य की परिस्थितियाँ अलग होती है। उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज फैलाया था बसपा ने, सपा ने, और उसको बढ़ाने का काम किया भाजपा ने, पंजाब में जिस कदर हलचल मची हुई है उसको देखते हुए तो आपको लग रहा है ना कि आप जहां पर सत्ता सीन में देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो जूतम पैजार हो रही है भाजपा में, डिप्टी सीएम मुख्यमंत्री पे लड़े जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जो है सुनील बंसल से लड़े जा रहे हैं, सुनील बंसल दिनेश शर्मा से लड़े जा रहे हैं, जो लठम लठा चल रहा है, क्या उत्तर प्रदेश के लोगों ने इसीलिए उत्तर प्रदेश में वोट दिया था बीजेपी को कि आप आपस की जूतम पैजार करें? और सही बात यह है कि भाजपा के लोग जिनके परिवार नहीं, वो क्या जाने परिवारों का दर्द, अगर मोदी जी सच्चे होते तो उनके भी बच्चे होते। लेकिन अंशु अवस्थी जी, अगर आप अपनी पार्टी की बात करेंगे तो 30 सालों से सूखा पड़ा हुआ है ना यूपी में, आप कह रहे हैं यूपी की बात करते, चलिए यूपी की बात। इन लोगों की वजह से आप देखिए कि प्रत्येक तहसील स्तर पे इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्री लगाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया था, भाजपा सपा बसपा इन लोगों ने उत्तर प्रदेश के लोगों को भरोसा दिलाया कि हम विकास करेंगे, लेकिन इन्होंने तो सिर्फ अपना विकास किया। और भारतीय जनता पार्टी को तो आप देख ही रही कि दिन रात जहर उगल रहे हैं इनके नेता, समाज में जहर बोने का काम कर रहे हैं। अब लोग फिर से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी सत्ता में आए। 2022 में कांग्रेस पार्टी श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। क्या लगता है जिस तरह से ये दावे कांग्रेस की तरफ से अंशु अवस्थी जी कर रहे थे कि इस बार विकल्प सिर्फ कांग्रेस ही रहेगी? नहीं, ये जनता चाहती है, उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है कि तो बाकी राज्यों के भी यही दावे थे आपके अंशु अवस्थी जी, बाकी जहाँ पे 5 राज्यों में चुनाव हुए वहाँ पर भी आपने यही दावे किए थे। उत्तर प्रदेश जो दूसरे राज्यों के लोगों को विकास देता था, आज उत्तर प्रदेश के लोगों को मजबूरन 2019 के चुनाव देख लीजिए, 2017 के चुनाव देख लीजिए, कहाँ कांग्रेस खड़ी थी? बसपा तीनों ने सिर्फ बांटने का काम किया। अंशु अवस्थी जी, कहाँ कांग्रेस खड़ी थी फिर आप बताइए ना, कांग्रेस कहाँ खड़ी थी इन चुनावों में? सपा का दर्द इसलिए लोग भूल नहीं पाए क्योंकि भाजपा ने उस दर्द को और बढ़ा दिया, कांग्रेस पार्टी उस दर्द को दूर करेगी। अंशु अवस्थी जी, लेकिन ये तो जनता का फैसला होता है ना, अब जनता जिसको सत्ता में लेके आएगी बात उसी की होगी ना। लेकिन आप स्टूडियो में है, आप जनता के बीच में जाइए, देखिए लोग कांग्रेस पार्टी की बातें कर रहे हैं, आदरणीय प्रियंका जी की बातें कर रहे हैं। क्यों? किसी महिला के साथ ये बलात्कार होता है और सरकार बलात्कारियों को बचाती है तो लड़ाई कौन लड़ रहा है? प्रियंका गांधी जी लड़ रही हैं। किसी दलित के साथ अत्याचार होता है, आपका ये हौसला और मनोबल किस हद तक आगे? ठीक है, मैं आपका हौसला और मनोबल नहीं तोड़ना चाहती हूँ ना, मैं भी स्टूडियो से उतर के ही बाहर जाकर जब मैं स्थिति देखती हूँ तो उसके बिल्कुल मैं जनता के बीच में जाती हूँ अंशु अवस्थी जी, और वहाँ की सारी रिपोर्ट लाने के बाद ही ये सवाल आपसे होते हैं। आप जनता के बीच अंशु अवस्थी जी, जब हम जनता के बीच जाते हैं तभी हम आपसे सवाल पूछने का जिम्मा उठाते हैं। प्रियंका गांधी जी रोजगार को लेकर बात कर रही है, जनता। चलिए ठीक है, ठीक है, लेकिन हम जब जनता के बीच में जाते हैं उसके बाद ही हम आपसे आकर सवाल उठाते हैं, उससे पहले हम आपसे सवाल नहीं करते, जब जनता से हम रिपोर्ट कार्ड लेके आते हैं जिस तरह की स्थितियां देख रहे हैं। ठीक है पंकज जी, आपको क्या लगता है जिस तरह के ये बोल रहे हैं कि आप जनता के बीच में जाइए, जनता, आपको लगता है कि जनता के बीच में कांग्रेस पार्टी कहीं स्टैंड कर रही है 2022 के चुनाव में? देखिए एक बात समझ लीजिए, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से 30 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्ता से बाहर है और बड़ा मुश्किल है कि उसको सर्वाइव करना, जिस तरह से उन्होंने काफ़ी प्रयास किए और इसका प्रयास का ही नतीजा देख लीजिए कि अभी पंचायत चुनाव में कांग्रेस का कहीं दिखाया सुपड़ा साफ हो गया, कांग्रेस कहीं नजर नहीं आई। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जनता की फाइंडिंग कांग्रेस के साथ नहीं है, वोट परसेंटेज भी घट रहा है। बंगाल में 30 साल शासन करने वाली कांग्रेस आज वहां 1-0 पर चली गई। 5 राज्यों दिन प्रतिदिन अगर आप देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसका हर राज्य में कार्यकर्ता मिल जाएगा, हर गांव में कार्यकर्ता मिल जाएगा, लेकिन उसकी स्थिति आज आप देख लीजिए कि पूरे देश में कांग्रेस का जनाधार खिसकता जा रहा है
और उसको वो कंट्रोल करने में नाकाम। तो ये नेतृत्व की बात कह लीजिए कि चाहे सोनिया गांधी का नेतृत्व हो, चाहे प्रियंका गांधी का नेतृत्व हो, चाहे राहुल गांधी का नेतृत्व हो, लेकिन वो अपने कुनबे को संभाल पाने में, अपने लोगों को संभाल पाने में नाकामयाब है। इसी का नतीजा है कि देखिए ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, और इसी का नतीजा है कि जो सोनेवाल जो वहां जो 2015 में कांग्रेस को छोड़ के आसाम के आज इस मुख्यमंत्री बन गए, तो राहुल गांधी को इतनी फुर्सत नहीं थी कि वो उनको समय देते और उनसे मिलते। उसी का नतीजा देखिए कि आज दिन प्रतिदिन उनका उनका जनाधार घटता जा रहा है। और रहा सवाल उत्तर प्रदेश का, तो उत्तर प्रदेश में अभी कांग्रेस के दिन बहुत दूर है, क्योंकि अभी जिस तरह से पंचायत चुनाव हुए और जिस तरह से वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक विपक्ष के रूप में अपने को खड़ा किया, और आज जब देख लीजिए बसपा की स्थिति देख लीजिए, बसपा के विधानमंडल लालजी वर्मा खुद छोड़ के को निष्कासित कर दिया गया, रामाचार लाजपत जो पूर्व अध्यक्ष थे उनको निष्कासित कर दिया गया। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इतने सबके बावजूद भी जनता के आकलन पे खड़ी नहीं उतर पा रही है, इसीलिए आप देखिए पंचायत चुनाव में कांग्रेस की स्थिति बहुत अंशु अवस्थी जी जनता के आकलन पे आप लोग खड़े नहीं हो पा रहे हैं, तो 2022 का आप चुनाव कैसे लड़ेंगे? ये पत्रकार बंधु का अपना आकलन है, उनके हम जो बातें हैं उससे हम सीखने की कोशिश करेंगे, हम उसको सुझाव के रूप मानते हैं। हम उनको भाजपा की तरह इसे देशद्रोही नहीं कहने जा रहे हैं कि अगर उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ बोल दिया तो हम कहते हैं नहीं वो देशद्रोही, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनके हिसाब से जहां पर वो चीजें देख रहे हैं हम और उनसे व्यक्तिगत बात करके और दुरुस्त करेंगे, लेकिन जनता के मन में आज ये बात बैठ चुकी है कि अब कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश को जरूरत है। ठीक है शबनम जी, क्या लगता है आपको जिस तरह से लगातार अभी अंशु अवस्थी जी ने भी ये बात बोली कि मंत्री बैठा है उसे कब हटाएंगे? ठीक है ठीक है, सतीश द्विवेदी जिसने फर्जीवाड़ा करके नौकरी दिलवाई उस पर तो 420 उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। शबनम जी इसका भी जवाब दीजिएगा, साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि राष्ट्रद्रोह का केस क्यों लग जाता है आपके विधायक के आपके खेमे से आवाज। ठीक है अंशु अवस्थी जी, मैं सवाल शबनम जी से कर रही हूँ, बिल्कुल फर्जीवाड़ा करने वालों पर कब कार्रवाई होगी शबनम जी? ठीक है अंशु अवस्थी जी, मैं आप पर आऊंगी। बीजेपी भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी है, ठीक है, और अहंकारी मुख्यमंत्री को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ लूट घसोट। ठीक है शबनम जी, आपको क्या लगता है कि इन जिन तमाम अधिकारियों पर कार्रवाई सॉरी नेताओं पर विधायकों पर फर्जीवाड़े का आरोप लग रहा है, उन पर कार्रवाई कब तक होगी? और साथ ही साथ आपके खेमे के विधायक ये कह रहे हैं कि हम अगर ये बात बोल देंगे तो कहीं एनएसए ना लग जाए, उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये आपके ही खुद खेमे के विधायक ने ये बात बोली है कि अगर हम कुछ बोलते हैं खिलाफ तो हमारे ऊपर एनएसए की कार्रवाई ना हो जाए, तो इस तरह से क्यों है? देखिए मैं आपको साफ तौर पे कहना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरीके की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मुझे नहीं लगता कि किसी अन्य पार्टी में, क्योंकि हर पार्टी एक परिवार की पार्टी है, उसमें परिवार के खिलाफ कोई बोलता भी है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। पर हमारी पार्टी में आप साफ तौर पे देखिए, कोरोना काल में अगर देखा जाए तो हमारे कानून मंत्री ने साफ तौर पे बोला, हमारे सांसद कई हैं उन्होंने साफ तौर पे बहुत सी नहीं बोला तो बिल्कुल शबनम जी बोला बिल्कुल, लेकिन आपके विधायक ये भी तो कह रहे हैं कि हम बोले कैसे, अगर हम बोले तो हमें डर लग रहा है कि एनएसए की कार्रवाई ना हो जाए। देखिए वो उनकी निजी राय होगी, लेकिन जब एक कानून मंत्री भी बोलते हैं, सांसद बोलते हैं, लखनऊ के सांसद बोलते हैं, क्या किसी पे एनएसए की कार्रवाई हुई? अगर कोई इस तरह की बात करता है तो उनसे ये प्रश्न पूछने की जरूरत है कि जब सभी सांसद विधायक निष्पक्षता के साथ कानून व्यवस्था को सिस्टम को मजबूत करने के लिए कमियां अच्छाई के साथ साथ कमियां भी बताते हैं और किसी पे एनएसए नहीं लगता, तो शबनम जी शायद तक बी.एल. संतोष को यहाँ आना पड़ा दिल्ली से उत्तर प्रदेश में आकर उनको चीजों पर कमान संभालनी पड़ी। नहीं इस बात को आपको मानना पड़ेगा कि जितने लोकतांत्रिक जिस तरीके से लोकतांत्रिक व्यवस्था से भारतीय जनता पार्टी के अंदर पार्टी या सरकार की कमियों को बोलने की आजादी है और चाहे वो बड़ाई करते हैं तो भी उन्हें कोई ऐसा नहीं अवार्ड मिल जाता और बुराई करते हैं तो कोई एनएसए नहीं लगता। ये मनगढ़ंत बात है, इस तरह की चीजें कहीं हमारी पार्टी में नहीं होती। अगर माननीय बीएल वर्मा जी आते हैं तो वो हमारी जो उपलब्धियां हैं उसको भी जानना चाहते हैं। आप देखिए
महाराष्ट्र इतना बड़ा प्रदेश है, आर्थिक राजधानी के तौर पे जाना जाता है, पहले से कितनी वहाँ 32 ऑक्सीजन प्लांट केवल 33 केवल, और उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश में शबनम जी चुनाव है, व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी है, जो आम जनों के बीच में जो ये मंशा पैदा हुई है, जो नाराजगी पैदा हुई है, उसको दूर करना है आपको। आप महाराष्ट्र और उसकी बात मत करिए, अब 6-7 महीने रह गए उत्तर प्रदेश की राजनीति में। 4 साल में 32 ऑक्सीजन प्लांट, अगर बिजली की व्यवस्था देखिए, पिछली सरकारों में सेलेक्टिव डिस्ट्रिक्ट में बिजली आया करती थी, जहाँ पे उनके बड़े मंत्रियों का घर होता था, उनका गृह जनपद होता था, वहाँ तो 24 घंटे 22 घंटे आती थी, पर आज हर जगह 24 और 22 घंटे जो है बिजली आ रही है बगैर किसी पक्षपातपूर्ण रवैया से। बात की जाए प्रियंका जी के ट्विटर पे और या सोनिया गांधी जी के चिट्ठी पे, तो ये ट्विटर और चिट्ठी अगर महाराष्ट्र पंजाब राजस्थान के लिए भी होता तो समझ में आता कि वो जनता के साथ है। ये तो केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, और अंशु जी छोटे भाई हैं, वो कहते हैं जिनका परिवार नहीं, तो आपके राहुल गांधी का परिवार कहाँ है भाई? ये अंशु अवस्थी जी से भी हम सवाल करेंगे कि क्या चुनाव के चलते कोरोना में लोगों की याद आ गई है सबको, इस वजह से ये ट्वीट एक के बाद एक हो रहा है, इस पर भी हम अंशु अवस्थी पर आएंगे। लेकिन उससे पहले विवेक जी पर मैं जाना चाहूंगी, ठीक है शबनम जी मैं आप पर आऊंगी थोड़ी देर में, आपसे सवाल करूंगी। विवेक जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपको क्या लगता है जिस तरह से अंशु अवस्थी जी ने अभी दावा किया कि विकल्प के तौर पर सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त कांग्रेस को ही देख रही है जनता, तो मतलब सपा तो कहीं है ही नहीं? देखिए कीर्ति जी, अंशु अवस्थी जी के अंदर मुझे लगता है राजनीतिक परिपक्वता अभी इनको और गंभीरता से लेनी चाहिए, सुझाव दे रहा हूं, क्योंकि किसी पे आरोप लगाने से पहले मुझे लगता है अपना गिरेबान झांक लेना चाहिए। याद होगा आपको 16 जून 2013 को जब उत्तराखंड के केदारनाथ में जल प्रलय शुरू हुई और भीषण तबाही मचा, वो भी एक प्राकृतिक आपदा थी, जिस तरह आज उत्तर प्रदेश में प्राकृतिक आपदा है, देश में आपदा है, उत्तरा केदारनाथ में भी प्राकृतिक आपदा थी। ठीक, 18 जून को सोनिया गांधी जी किसी गुप्त स्थान पर इलाज कराने के बहाने देश से निकल गई अमेरिका में, और राहुल गांधी देश के बाहर थे, मनमोहन सिंह जी कोई निर्णय ले नहीं सकते थे, रिमोट से चलने वाले वो जानते हैं आप, उनका तो सारा प्रकरण मैं यहाँ पे कुछ कहूंगा नहीं। सो 21 जून को माँ बेटे दोनों भारत आते हैं, और उसके बाद बड़ा तामझाम करके 8 ट्रक में पानी, पैकेट, बोतल, बिस्किट रवाना किया जाता है, फोटो खिंचवाए जाते हैं झंडी दिखा करके, और उन ट्रकों को बड़े शान से रवाना करते हैं कि हमने अपने देश में इतनी बड़ी आपदा में सहायता कर रहे हैं, जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उन ट्रकों को न किराया दिया गया, न डीजल दिया गया, 8 दिन भटक के उन ड्राइवरों ने वो बिस्किट बेच के अपना किराया वसूला और निकल के आज तक नहीं पता उस राहत सामग्री का क्या हुआ। लाशें जब सड़ने लगी, महामारी का खतरा देख करके वहां के आसपास के गांव के लोग जब आंदोलन पे उतर रहे हैं, तब 15 दिन के बाद जब लाशें 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे देखने के बाद भी अगर कांग्रेस ये पीठ थपथपा रही है और इस तरह से कह रही है कि अगर यूपी में एक ही विकल्प है तो इस पर क्या कहा जाए? ठीक है, अंशु अवस्थी जी दे रहा हूँ, सुन लीजिए जी, आप मुझे बोलने नहीं दे रही, आप मुझे पहले सुन लीजिए जी। विवेक जी अच्छा बोलिए, मैं आपको बता रहा हूँ, उस समय इन्होंने ब्लू ब्रिज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की एयरक्राफ्ट चार्टिंग कंपनी को टेंडर दिया, जो की लाशों निकालने के लिए दी गई थी, और 2008 तक प्रियंका वाड्रा भी उसी कंपनी में डायरेक्टर थी, क्योंकि ये इनके तमाम की कंपनी थी, और 4,60,000 रुपए में एक एक लाशों का टेंडर दिया, 16,000 लाशें 3 दिन में निकाली गई थी, 7 अरब 36 करोड़ रुपए का भुगतान तुरंत हुआ था। तो लाशों की राजनीति करने वाले आज आकर के देश के सामने विकल्प बताएं, मुझे लगता है इससे बड़ा हास्यप्रद कोई स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है। इनका अपना इतिहास ही लाशों से बना हुआ है, जिस महामारी पे आज ये किसी भी सरकारों को कोस रहे हैं, जिस मामले पे आकर के ये हमको घेरने का प्रयास कर रहे हैं, पहले अपना इतिहास मैंने कहा अपने गिरबान में झांक लें। उत्तराखंड में भी प्राकृतिक आपदा थी, जिसमें की 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जब दबाव पड़ा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का तब इनको लगा कि नहीं अब हमें काम करना पड़ेगा, उसमें भी अमानवता दिखाते हुए भुगतान नहीं किया इन्होंने और दामाद जी की कंपनी को भुगतान हो गया। ये हमें सिखाएंगे राजनीति, और जमीनी हकीकत यह है कि पंचायती चुनाव में अगर इतना जनता इसको गले लगाती तो ये अभी तक पंचायती चुनाव में कई सीटें निकाल चुके होते। सत्यता यह है कि ये अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते, और हम तो प्रसन्न है इन्होंने क्या कहा कि विपक्ष के तौर पर हमने गुंडा और भ्रष्टाचार बढ़ाया, तो मत भूलिए आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर हजरतगंज कोतवाली में ही एक मामला दर्ज था। ठीक है, आप अगर ठीक है अंशु अवस्थी जी से तमाम चीजों के जवाब ले लेते हैं। अंशु अवस्थी जी आपका क्या कहना है, जिस तरह से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, राजस्थान की परिस्थितियों को भी देखा सबने समझा कि किस तरह से छत्तीसगढ़ में इन्होंने महामारी आपदा के नाम पे जबरन पैसे काट लिए पुलिस कर्मियों के और वहाँ के राज्य कर्मचारियों के, ठीक है, और जिसने विरोध किया उसके ऊपर कार्रवाई की जिम्मेदारी। अंशु अवस्थी जी आपके पास इन तमाम आरोपों के जवाब है? अंशु अवस्थी जी आपको आवाज आ रही है?
ठीक है, हम शबनम जी पर जाते हैं और शबनम जी से पूछते हैं कि शबनम जी, अगर हम बीते कुछ महीनों को देखें तो जिस तरह से लगातार किसानों का मोर्चा हो उस पर सरकार को घेरा गया हो, चाहे कोरोना को लेकर भी नाराजगी सामने आई है, तो कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सरकार लगातार घिरती रही है, जिसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो जो बैठक हुई अभी बीएल संतोष की, उसमें अगर वो 3 ट्वीट ये कर देते हैं कि सरकार की तरफ से, तो वो अच्छा हम ये कह लें सब कुछ ठीक हो गया है, तो वो भी सही नहीं है, उसको किस तरह से सही करेंगे, क्योंकि कई मोर्चों पर सरकार अभी भी ड्रॉबैक में है। देखिए, जिस तरीके की ये सदी की सबसे बड़ी वैश्विक महामारी का संक्रमण दौर है, उस दौर में उत्तर प्रदेश ही क्या, वो भारत के अन्य प्रदेश के साथ साथ विश्व के अनेकों देश इसके चपेट में आए और वहां की स्थिति को हम कमतर नहीं आ सकते। वो भी स्थिति ऐसी ही थी जैसी उत्तर प्रदेश की थी। भले ही उत्तर प्रदेश में जैसे ही योगी आदित्यनाथ जी कोरोना संक्रमण के दौर से निकले और उन्होंने जिस तरीके से लगातार धरातल पर अपनी कार्रवाई दिखाई, और आज देखिए करीबन 93% जो है संक्रमण कम हो गया है, और हमारे आधे से ज्यादा जिलों में से लॉकडाउन खत्म कर दिया गया है, बस केवल कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन रह गया है। तो देखिए, ये एक बहुत ही बड़ी सफलता है उत्तर प्रदेश सरकार की। लेकिन उत्तर प्रदेश में शबनम जी, सबसे बड़ा तो मंथन यही था ना कि छवि को कैसे ठीक किया जाए, 6 महीने बचे हैं, छवि को कैसे ठीक करने में सक्षम रहेगी। देखिए, छवि को कहीं से चोट नहीं, अगर ऐसी महामारी फैली है, ये एक प्राकृतिक आपदा जैसी है। लेकिन इस प्राकृतिक आपदा में लोगों के मन में जो अविश्वास तो पैदा हुआ है ना। देखिए, निश्चित तौर पे जनता को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमारी जो स्वास्थ्य व्यवस्था भारत की पूरी देखी जाए, अगर 70 साल की आजादी के बाद जिस तरह की हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था होनी चाहिए थी, वो उस तरीके की कभी भी नहीं बढ़ी। हम विश्व में बहुत पीछे थे स्वास्थ्य व्यवस्था के इसमें, लेकिन महामारी के दौर पे व्यवस्थाओं को बढ़ाया गया, इंतजाम किया गया, लेकिन महामारी का संक्रमण इतना जबरदस्त था जिसका अंदाजा मेडिकल फैटर्निटी ने भी नहीं किया था, उन्हें भी नहीं था कि ये संक्रमण इतना तेजी से होगा। आज भी उस पर शोध चल रहा है कि जो म्यूटेंट वेरिएंट है वो इतना संक्रमण और इतना घातक कौन सा है। लेकिन 2022 के चुनाव के लिए तो आपको ये इन चीजों को सामने आप नहीं रख सकते ना। महामारी पहली बार थी, सबको पता है, लेकिन तैयारियां नहीं की गई, ये भी सबको पता है। लोगों जिन्होंने अपने परिवार वालों को खोया, उनका दर्द। देखिए, ये कहना कि तैयारियां नहीं की गई, कहीं ना कहीं ये बेमानी है। तैयारियां की गई, पर तैयारियां नाकाफी रही उस संक्रमण के आगे, इसको मैं मानती हूँ। क्योंकि अगर केवल उत्तर प्रदेश में ऐसा होता तो कहते कि हाँ तैयारियां नहीं हो, लेकिन अगर देख लीजिए अन्य राजनीतिक दल द्वारा शासित प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, राजस्थान हो, तमाम जगहों पे आपने देखा कि किस तरीके से अव्यवस्था रही। निश्चित तौर पे जिन लोग जो पीड़ित परिवार हैं उनको राहत देने की बात पे चर्चा हुई है, किस तरीके से वैक्सीनेशन को बढ़ाया जाए, किस तरीके से जो 300 ऑक्सीजन प्लांट बनने हैं वो जल्दी से जल्दी बनकर तैयार हो जाए, व्यवस्थाओं को और कैसे मजबूत किया जाए और संगठन को कैसे मजबूत किया जाए। देखिए, चुनौती हमेशा रहती है राजनीतिक दलों पर, लेकिन बिल्कुल चुनौतियां थी और चुनौतियां अभी भी आगे सामने हैं। 2022 के चुनाव को लेकर आपको तैयारियां करनी होंगी और जनता के बीच अपना जो अविश्वास पैदा हुआ है उसको विश्वास में बदलने की जरूरत है, उस पर मंथन करना अभी और बाकी है। मैं पंकज जी पर आना चाहूंगी। पंकज जी, आपको क्या लगता है, जिस तरह के दावे सपा, कांग्रेस और बीएसपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं कि वो सत्ता में आएंगी, वापसी करेंगी और भारी मत के साथ, आपको क्या लगता है बीजेपी के खिलाफ कौन सी बड़ी पार्टी है जो इस वक्त बढ़त बना रही है और कौन टक्कर देने वाली है बीजेपी को? देखिए, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो बीएसपी की बात करें तो बीएसपी के तो संविधान मंडल दल के नेता खुद ही पार्टी विरोधी गतिविधि में अभी निष्कासित कर दिए गए, और रामचंद्र राजबल जो कि बीएसपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के, उनको भी निष्कासित कर दिया गया। तो ये बीएसपी की तो हालत बहुत ही मतलब निचले लेवल पे है, और जिस तरह से बीएसपी ने खाली वो ट्विटर पे और जिस तरह से खाली बयानबाजी चलती रहती है, वो भी एक जनमानस देख रहा है, जनता जनार्दन है, जनता सब देख रही है। और रहा सवाल बड़ी पार्टी, और रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस को अभी बहुत सर्वाइवल की जरूरत है और कांग्रेस को इन चीजों से उबरना पड़ेगा, तभी ये कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना जनाधार बना पाएगी, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव
जिस तरह से कांग्रेस का वहां सुपड़ा साफ हुआ वो ये दर्शाते हैं कि कांग्रेस का जनाधार निश्चित रूप से गिरा है। माननीय दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं उन्होंने राहुल गांधी से कहा भी था कि आप छह लाख गांव है, आप वहां पर क्या नाम है एक एक गांव का दौरा करिए और कांग्रेस को खड़ा करिए, लेकिन उन्होंने उनके सुझाव को नहीं माना। आज स्थिति है कि कांग्रेस दिन प्रतिदिन नीचे ग्राफ गिरता जा रहा है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी विपक्ष के रूप में निश्चित रूप से एक बड़ा विकल्प है और पिछले बार चूंकि वो सत्ता में भी रही और अभी भी उसने जो जुझारू नेतृत्व है उसने उसको नहीं छोड़ा है और जिस तरह से उस समाजवादी पार्टी ने पंचायत चुनाव हो चाहे जो भी चुनाव हो वो लड़ती है और जिस तरह से सब तमाम चीजों पे सरकार पे टिप्पणियां करती हैं तो मेरे हिसाब से तो उत्तर प्रदेश में इस समय समाजवादी पार्टी एक विकल्प के रूप में आपके मुख्य विपक्ष के रूप में आप कहिए तो ये है आपके सबसे बड़ी बात। अवस्थी जी मैं आप पर आना चाहूंगी, आपसे पूछना चाहूंगी जो असम और केरल में हाल देखा उसके बाद सत्तासीन उत्तर प्रदेश में सत्तासीन होने का जो आप दावा ठोक रहे हैं उस पर उसको लेकर थोड़ा ये सोच विचार बन जाता है और वही क्या लगता है आपको जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं कि ना संगठन मजबूत करा गया ना कोई बड़े फेरबदल आपने उत्तर प्रदेश में किए गए हैं उसके बाद क्या आप प्रियंका गांधी का चेहरा लाकर ही सामने खड़े करने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर सीएम योगी के सामने? अंशु अवस्थी जी आपको आवाज आ रही है? अब उनको आवाज नहीं आएगी। ठीक है अंशु अवस्थी को शायद तक हमारी आवाज नहीं मिल पा रही है। मैं आपसे पूछना चाहूंगी विवेक जी जिस तरह से कहा कि पंकज रस्तोगी जी ने कि आप विपक्ष के तौर पर बड़ा जो सपा पार्टी है वो एक चुनौती बड़ी खड़ी कर सकती है बीजेपी के लिए, तो आपको अब तैयारियों में जुट जाने की जरूरत है, कौन से बड़े मुद्दे लेकर आगे आने वाले हैं आप? देखिए कीर्ति मुझे लगता है ये तीसरी बार आप मुझसे पूछ रही हैं, हमारे मुद्दे जो है वो प्रदेश के विकास से जुड़े हुए हैं और रही बात मैं आपको फिर कह दूं बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा के आंतरिक दल के अंदर अगर किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था दुर्व्यवस्था फैली है वो उनका आंतरिक मसला है, हमें उस पर कोई राजनीति कोई आवश्यकता भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी हो रहा है जो भी इस प्रदेश में घट रहा है वो पूरा देश की जनता के सामने है और अब तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी उसमें दिलचस्पी लेने लगा है। तो कहने का मेरा सिर्फ इतना मतलब है कि सबसे अच्छी चीज राजनेताओं में और नेताओं में ये पाई जाती है कि वो आशावादी होते हैं, जैसे कि कांग्रेस के हमारे मित्र कह रहे थे कि कांग्रेस ही एक विकल्प है, तो अच्छी बात है आशावादी होना चाहिए लेकिन अवसरवादीता के साथ थोड़ा सा दूरदर्शी भी आदमी को होना चाहिए अगर वो राजनीति कर रहा है। और आप विपक्ष के ऊपर आरोप सुन लीजिए, विपक्ष के ऊपर इस समय आरोप लगाने से अच्छा है कि सकारात्मक तरीके से सरकार का सहयोग किया जाए। विवेक जी आप आगे बढ़ेंगे मतलब कोई बड़ी पार्टी के साथ अभी विचार नहीं हो रहा है गठबंधन करने का? नहीं देखिए हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक वक्तव्य जारी कर दिया है जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है उनका और वो ये है कि जो भी राजनीतिक दल छोटे राजनीतिक दल समाजवादी विचारधारा से जुड़ करके उत्तर प्रदेश के विकास में सहयोग करना चाहते हैं उनका रेड कार्पेट के साथ स्वागत। ठीक है शबनम जी कौन से उत्तर प्रदेश के वो मुद्दे उठाकर आप सामने आने वाली है इस बार 2022 के चुनाव के लिए लास्ट कमेंट? हम किया है इन 4 सालों में वो तमाम मुद्दों को हम सामने लाएंगे, बिजली की जैसे व्यवस्था है निष्पक्ष ढंग से सभी जनपदों में बिजली पहुंचाई जा रही है, लोगों को आवास गैस कनेक्शन उन्हें उनके घर तक जल पहुंचा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं हमारे पास, तो हम अपनी उपलब्धियों को लेकर जाएंगे और साथ साथ जो हमारे विपक्षी पार्टियां हैं उनके जो कारनामे हैं जिस तरीके की उन्होंने आरोप की राजनीति किया उन्होंने जिस तरीके से कोरोना के समय में जनता की सहायता करने के बजाय सबके सारे विपक्षी दल अंदर चले गए और ट्विटर पे लगातार केवल प्रहार करा, उन्होंने जनता के साथ कोई सरोकार नहीं रखा, इस मुद्दे को सामने लाएंगे और चाहे वो समाजवादी पार्टी हो चाहे बसपा हो या कांग्रेस हो जिस तरीके वो अक्सर कहते हैं कि हम समाजवादी पार्टी कहती है हम समाजवाद पे चलते हैं तो उनके समाजवाद का पोल पट्टी खोलेंगे, हम बसपा अंबेडकर जी के बारे में कहते हैं तो किस तरीके से दलितों का पर वो प्रहार करते हैं किस तरीके से उन्हें वंचित रखते हैं उसके बारे में बताएंगे, और कांग्रेस पार्टी जो कि पूरे तरीके से अपने परिवार की उपलब्धियों में पंकज जी लास्ट कमेंट दे रहे थे उस पर एक बार कमेंट ले लेती हूँ। पंकज जी एक चीज और भी बता दीजिएगा कि आपको लगता है कि असम के मॉडल पर ही बीजेपी उत्तर प्रदेश में भी सामने नजर आने वाली है? बिल्कुल देखिए भारतीय जनता पार्टी ने जो यहाँ पर कार्य किए हैं उन्हीं कार्यों को लेकर ये चुनाव लड़ेगी और योगी आदित्यनाथ एक बड़ा चेहरा बनके सामने आए हैं और हिंदुत्ववादी जो उन्होंने एक चेहरा प्रस्तुत किया है उस पर कहीं ना कहीं जनमानस उनको देख रहा है। और दूसरा सवाल मैं ये कहना चाहूंगा इस डिबेट के माध्यम से कि
भारतीय जनता पार्टी को यह चाहिए कि जो भी केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं हो या जो उत्तर प्रदेश में भर्ती परीक्षाएं हो चुकी हैं जिनके रिजल्ट आसन्न है उनको तत्काल जारी करना चाहिए। कमियों को दूर करने की जरूरत है। और क्या नाम है, 1 से 1.5 लाख जो भर्तियां हैं उनके लेटर जारी करने चाहिए और युवाओं, भारत चूंकि युवाओं का देश है, उनको तत्काल क्या नाम है उनको नियुक्ति पत्र देने चाहिए। ये काम तत्काल होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस प्राइम डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो जिस तरह से हम चर्चा कर रहे थे लगातार 2022 के चुनाव को लेकर कि किस तरह से कौन सी पार्टी अपना दमखम दिखाने वाली है 2022 के चुनाव में, तो आपने सभी पार्टियों की बात सुनी। हालांकि थोड़ा सा हंसी का पात्र यह था कि कांग्रेस ये बोल रही थी कि हम एक ही विकल्प के तौर पर इस वक्त उत्तर प्रदेश में जनता के सामने है, लेकिन जिस तरह से असम और केरल का हाल देखा उसके बाद सत्तासीन उत्तर प्रदेश में होने का सपना उनका शायद अधूरा सा लग रहा है। वहीं विपक्ष के तौर पर सपा पार्टी काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है, तो उनका देखना होगा कि नेक्स्ट स्टेप किस तरह से होता है और किस तरह से वो जनता के बीच में उतर कर जो चीजें हैं उनको लेकर वो कौन से मुद्दे उठाने वाले हैं जिससे जनता का विश्वास बन सके। वहीं बीजेपी को इस वक्त जरूरत है कि जो अविश्वास पैदा हुआ है कोरोना काल में, साथ ही साथ किसानों का जो मुद्दा है उसको लेकर जिस तरह से लगातार किसान लामबंद हैं और कहीं ना कहीं बीजेपी को इस पर भी पटकनी ना मिल जाए उसको लेकर तैयारियां दुरुस्त करने की जरूरत है। वहीं अगर बीएसपी की बात करें तो मायावती शायद तक इस वक्त अकेले चढ़ने के मूड में है क्योंकि लगातार निष्कासित कर रही है और बड़े बड़े कदम उठा रही है, तो देखना अहम होगा कि 2022 के चुनाव में वो ऐसा कौन सा मंत्र लेकर आने वाली हैं, चुनावी मंत्र जिसमें उन्हें जीत मिल सके। फिलहाल के लिए बस इतना ही, हम फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और हाँ, मेरे साथ देखते रहिए प्राइम डिबेट।